नमस्कार दोस्तों, जानो टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सत्यानाशी पौधे की। जी हाँ, आयुर्वेदिक में सत्यानाशी पौधा एक बहुत ही उपयोगी औषधि के रूप में है। सत्यानाशी सभी प्रकार के रोगों का नाश करने वाला खास वनस्पति है। सत्यानाशी पौधा बंजर, नदी किनारे, जंगलों, खाली जगहों में पाए जाते हैं। सत्यानाशी पौधा लगभग 3 फीट लंबा होता है। फूल पीले और पत्ते हरे तेज नुकीले होते हैं और बीज सरसों के दानों की तरह होते हैं। कोमल पत्ते तने तोड़ने पर दूध जैसा तरल निकलता है। सत्यानाशी पौधा भारत में लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पीला धतूरा, फिरंगी धतूरा, भाट कांट, काटे धोत्रा, मिल धात्रा, चौक कटासी, भटकटैया पौधा, सोना खिड़की आदि नामों से पुकारा जाता है। सत्यानाशी फूल पत्ते जो कि सभी चीज में काम आने वाले हैं। चोट घाव में सत्यानाशी का पौधा, चोट व घाव ठीक करने में सत्यानाशी फूल पत्तियों का रस अचूक औषधि मानी जाती है। सत्यानाशी फूल पत्तियों का रस घाव जल्दी भरने में सहायक और घाव को संक्रमित होने से बचाते हैं। पीलिया रोग होने पर आधा चम्मच सत्यानाशी तेल गन्ने के जूस के साथ पीने से पीलिया से जल्दी छुटकारा मिलता है। साथ में मूली पत्तियां की सब्जियां खाने से भी पीलियों से जल्दी छुटकारा मिलता है। सत्यानाशी फूल कोमल पत्तों से कांटे अलग करें, फिर फूल और कांटे बिने पत्तों को बारीक पीसकर छान लें। रोज़ सुबह शाम सत्यानाशी का आधा चम्मच से कम फांक गर्म पानी के साथ सेवन करने से दमे की खांसी से जल्दी आराम मिलता है। 1 चम्मच सत्यानाशी तेल मिश्री गुड़ के साथ खाने से दमा रोग जल्दी से छुटकारा मिल जाता है। कुष्ठ रोग फैलने से रोकने में सत्यानाशी सहायक है। सत्यानाशी के फूल पत्तों और नीम के पत्तों को बारीक कूटकर पानी में उबालें, फिर पानी गुनगुनाकर ठंडा होने पर नहाएं। सत्यानाशी तेल खाने में इस्तेमाल और कुष्ठ ग्रसित त्वचा पर लगाने सत्यानाशी पौधा कुष्ठ रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जलोत्तर, पेट, फेफड़ों और शरीर अंगों में पानी भरने पर समस्या सत्यानाशी असरदार औषधि मानी जाती है। सत्यानाशी के फूल पत्तों तनों का ताज़ा 1-1 चम्मच रस नित्य सुबह शाम सेवन करने से जलोदर समस्या जल्दी ठीक करने में सहायक है। 1 चम्मच सत्यानाशी तेल चुटकी भर सेंधा नमक 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ रोज पिएं और सत्यानाशी पत्तों के तनों से निकला दूध गाय के दूध के साथ मिश्रण कर सेवन करें। शरीर अंगों में पानी भरने का सत्यानाशी पौधा असर जरूर करता है। तुतलाने हकलाने के लिए भी सत्यानाशी का पौधा के जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बवासीर में भी सत्यानाशी के पौधे की इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों के लिए सत्यानाशी का पौधा बहुत उपयोगी है। गैस और कब्ज में भी सत्यानाशी का पौधा बहुत उपयोगी है। पेट में जो कीड़े की समस्या होने पर सत्यानाशी जड़ और आधे से थोड़ा कम मात्रा में कलौंजी मिलाकर पीसकर फांक गुनगुना पानी के साथ पीने से पेट के कीड़े शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। खाज खुजली में सत्यानाशी का पौधा बहुत ही फायदेमंद है। गठिया जोड़ों के दर्द में सत्यानाशी का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। पुरुषों महिलाओं के अंदरूनी कमजोरी दूर करने के लिए सत्यानाशी का पौधा बहुत उपयोगी होता है। पेशाब जलन में सत्यानाशी बहुत जल्दी आराम दिलाता है। तो दोस्तों, इस सत्यानाशी के बहुत उपयोग हैं। तो आप इनमें से अगर कोई समस्या हो तो आप इन उपयोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप जल्दी ठीक हों। इसी प्रकार की और रोचक जानकारी